अच्छा, 11वीं की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है बच्चों। इसके पहले अपन ने समायोजन के बारे में पढ़ा। समायोजन क्या है, आदत व्यय क्या है, उपार्जित आय क्या है, अनुपार्जित आय क्या है, इस विषय पे अपन ने क्या की चर्चा की। अब अपन आज पढ़ेंगे कि उपार्जित आय और अनुपार्जित आय में क्या अंतर है। तो उपार्जित आय और अनुपार्जित आय, उपार्जित आय से मतलब होता है चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखी जाती है, इसमें चिट्ठे में लेखन, और अनुपार्जित आय दायित्व पक्ष में लिखी जाती है, और उपार्जित आय कैसे पक्ष में लिखी जाती है, संपत्ति पक्ष में। उसके बाद है लाभ हानि खाता बनाया जाता है। यह आय लाभ हानि खाते में, तब जो उपार्जित आय है उसको लाभ हानि खाते में क्या करते हैं, जोड़कर लिखी जाती है। इसे प्रत्यक्षता से क्या करते हैं, दर्शाई जाती है। जबकि अनुपार्जित आय को आप लाभ हानि खाते में क्या करेंगे, घटाएंगे, आय से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, और इसे लाभ हानि खाते में जोड़कर लिखी जाती है, इसे उपार्जित आय। और अनुपार्जित आय को लाभ हानि खाते में क्या करते हैं, आय से घटाकर लिखते हैं। फिर है समायोजन के नाम जमा। इस आय का समायोजन करते समय नाम तथा संपत्ति आय में जमा की जाती है। इस आय को समायोजन करते समय और अनुपार्जित आय को समायोजन करते समय इसमें संबंधित आय के खाते में नाम में लिखा जाता है। मतलब जो आय है वो समायोजन करते समय इसे जो जमा और संबंधित आय का खाता हो उसके नाम पर लिखा जाता है। अर्जन, इसे आय हिसाबी वर्ष में अर्जित हो चुकी है, मतलब अपन को जो भी अपन ने व्यय किया उसका अर्जन होगा, तो उपार्जित आय इसको हिसाबी वर्ष में अर्जित हो चुकी है उसमें लिखेंगे। और उसके बाद अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय में अग्रिम प्राप्त होती है, अर्थात अगले वर्ष की होती है। फिर इसमें अंतर है प्राप्त होना, तो जो उपार्जित आय है वो हिसाबी वर्ष में आय प्राप्त होना बाकी रहता है, तब जो आपका हिसाबी वर्ष है उसमें आय प्राप्त होना उपार्जित आय के रूप में के लिए होता है। और यह आय पहले से प्राप्त हो चुकी होती है, जो अनुपार्जित आय है वह क्या होती है, पहले से आपको प्राप्त हो चुकी होती है। फिर है मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास जो आपको व्यापार में लाभ हानि अर्जित करने के लिए अनेक प्रकार की स्थायी संपत्तियों का क्या करते हैं अपन, प्रयोग किया जाता है। आपकी प्रयोग मतलब जो स्थायी संपत्ति होती है वो क्या होता है, भूमि, फर्नीचर, मशीन, भवन आदि आपकी क्या है, स्थायी संपत्तियां होती है। तो मूल्यह्रास का है व्यापार में लाभ अर्जित करते समय अनेक प्रकार की स्थायी संपत्ति, जिसमें आप मान लीजिए आपके पास प्लॉट है, फर्नीचर है, भवन है, ये सब क्या है, आपके स्थायी संपत्ति, जो आपके स्थायी तौर पर किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में होती है। इस स्थायी संपत्ति को निरंतर प्रयोग पर नियंत्रण, मतलब हमेशा जो स्थायी संपत्ति उसका अपन क्या करते हैं, निरंतर प्रयोग करते हैं, अथवा समय व्यतीत हो जाने पर किसी कारण से इसके मूल्य को निर्मल क्या हो जाती है, निरंतर कमी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कमी की जाती है। मूल्यह्रास का एक आवश्यक व्यय माना जाता है। मूल्यह्रास होता है वह क्या है, एक आवश्यक व्यय माना जाता है। तो संपत्ति के मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत की दर पर ह्रास की राशि क्या की जाती है, निश्चित की जाती है। जो समायोजन व्यवस्थित होती है तो ह्रास की राशि ह्रास के खाते में डेबिट पक्ष में तथा संपत्ति खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। मतलब जो अन्य किस मतलब जो मूल्यों में निरंतर कमी आती है, यही कमी मूल्य ह्रास कही जाती है। मतलब किसी भी वस्तु का क्या होता है, क्षय होता जाता है, तो उसमें कमी होती है, तो उसकी क्या करते हैं, उसमें मतलब जो उसका मूल्य ह्रास होता रहता है। फिर है इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसमें अलग अलग संपत्तियों पर ह्रास की दर भिन्न भिन्न हो जाती है। मतलब जो अलग अलग संपत्तियां होती है उसमें ह्रास की दर कैसी हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। ह्रास की राशि लाभ हानि खाते से डेबिट पर लिखी जाती है और चिट्ठे संबंधी बता दूं, अगर तलपट में
जाता है, अगर हास की राशि को लिखा जाता है तो लाभ हानि में जो खाता होता है उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और चिट्ठी में संपत्ति को घटाकर नहीं लिखा जाता। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए आपके काय के, हास के। उसके बाद है डूबत ऋण। तो दो ऋण डूबत ऋण, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में मतलब जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होती है उसमें इस प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति होता है व्यापारी होता है अपने माल का विक्रय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक माल को क्या करता है उधार में बेचता है। मतलब कोई भी व्यापारी होगा और अपना व्यापार बढ़ाना है उसको तो वह माल का विक्रय पहले क्या करेगा अधिक से अधिक वो क्या करेगा उसको उधार में बेचेगा। परिणाम उसका परिणाम क्या होगा कि वर्ष के अंत तक कभी कभी कुछ ग्राहक देनदार अत्यंत आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण क्या हो जाते हैं दिवालिया घोषित हो जाते हैं और अन्य किन्हीं कारणों से उधार माल को रकम वसूली नहीं होती प्राप्त न होने वाली रकम को डूबंत या अप्राय ऋण अशोध ऋण कहा जाता है। तो जो ऋण डूब गया हो तो उसे क्या कहते हैं डूबत ऋण अप्राय ऋण या अशोध ऋण कहा जाता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि डूबत ऋण का अर्थ बताइए तो आपको यही लिखना है अप्राय ऋण क्या होते हैं अशोध ऋण क्या होते हैं तो आपको यही एक आंसर होगा कि व्यापारिक स्पर्धा में आपको इस युग में प्रत्येक व्यापारी अपने माल का विक्रय बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में माल को क्या करता है उधार में बेचता है और परिणाम स्वरूप उसको वर्ष के अंत में देनदार उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर या उसके दिवालिया घोषित हो जाने पर किन्हीं कारणों से माल रकम वसूल नहीं हो पाते और उसे अंत में प्राप्त न होने वाली राशि को डूबंतरण कहते सापेक्ष ऋण को कहेंगे। यदि कोई देनदार या ग्राहक अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो ऐसे ऋण को अशुद्ध या डूबंत ऋण कहा जाता है। तो आपके लिए छोटी सी परिभाषा है ये सापेक्ष में आप इसको क्या कहोगे यदि कोई देनदार या ग्राहक अपने ऋण का भुगतान करने में क्या हो जाए असमर्थ हो जाए या ना चुका पाए तो ऐसी स्थिति में ऋण अशुद्ध या डूबंत ऋण कहा जाएगा। फिर है समायोजन प्रविष्टियां कैसे की जाती है समायोजन और देनदार तो ये विकलन हो गया। उसके बाद आपको बता दूं डूबंत ऋण अपलिखित आपको इसकी एंट्री ऐसी करनी हिंदी में और इंग्लिश फिर डूबंत ऋण लाभ हानि के डेबिट खाते पक्ष में लिखा जाता है। जो डूबंत ऋण है वह लाभ हानि के कौन से पक्ष में लिखा जाएगा डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। यदि डूबंत ऋण तलपट में उपस्थित है तो कोई जानकारी समायोजन के रूप में नहीं दी गई है तो इसकी समायोजन प्रवृत्ति नहीं की जाती है। मतलब जो डूबंत ऋण है तलपट में उपस्थित है तो इसकी कोई जानकारी समायोजन के रूप में नहीं लिखी गई इसकी समायोजन प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि डूबंत ऋण समायोजन के रूप में दिया गया हो तो इसे लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में तथा चिट्ठी में संपत्ति पक्ष में मतलब जो डूबंत ऋण है समायोजन के रूप में दिया गया है उसको आप काय में लिखोगे लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में लिखोगे और चिट्ठी में संपत्ति पक्ष के देनदारों के रूप में क्या करते हुए घटते हुए लिखा जाता है। मतलब जो चिट्ठा बनेगा उसमें संपत्ति पक्ष में लिखेंगे और देनदारों से क्या करते हुए घटाते हुए लिखेंगे। इस स्थिति में उपयुक्त समायोजन प्रवृत्ति की जाएगी तो आपको यह समायोजन प्रवृत्ति हो गया। फिर पूंजी और आहरण पर ब्याज जो पूंजी है तथा आहरण पर ब्याज तो पृथक व्यवसाय के लिए एक अलग व्यवसाय के लिए मतलब जो अलग व्यवसाय आप शुरू कर रहे हैं उसकी अवधारणा में व्यापार को उसके स्वामी को पृथक माना जाता है। आप कोई भी व्यापार शुरू करोगे अगर आपने अपने नाम से किया तो वह आपके आप उसके स्वामी हो गए जो क्या हुए पृथक मतलब अलग माना जाता है। इस अवधारणा के आधार पर स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए ऋण स्वरूप होती है। मतलब कोई भी व्यवसाय जब आप शुरू करोगे उसमें जो आप पूंजी जो भी पूंजी होती है वह ऋण स्वरूप होती है
जिस पर ब्याज दिया जाना आवश्यक है। इस तरह समय समय पर स्वामी द्वारा जो समय समय पर जो स्वामी है व्यापार का उसके द्वारा नगद राशि व पाल निजी प्रयोग के लिए का प्रयोग हेतु उठाया जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आहरण कह सकते हैं। मतलब एक व्यापार है, समय समय पर उसका जो स्वामी है तो व्यापार से नगद राशि का पान निजी प्रयोग व प्रयोग हेतु उठाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। यह आहरण व्यापारी द्वारा व्यापार के लिए लिया गया ऋण है, मतलब जो ये उस पूंजी में से जो आहरण कर रहा है राशि को या रुपया ले रहा है, व्यापारी द्वारा व्यापार में दिए गया मतलब उसके व्यापार के लिए लिया गया क्या माना जाता है, ऋण माना जाता है। आहरण पर ब्याज लिया जाना आवश्यक होता है। आप अगर किसी से मतलब आपने अपने व्यापार से अगर आहरण किया, किसी भी मतलब पैसा लिया आहरण किया, तो उस पर आपको क्या करना होगा, ब्याज देना आवश्यक है। फिर वर्ष के अंत में इसे पूंजी तथा आहरण एक निश्चित दर से ब्याज पर क्या करते हैं, मतलब जो आपका वर्ष के अंत में जो होता है पूंजी और आहरण एक निश्चित दर पर ब्याज लगाया जाता है। जो पूंजी का ब्याज मतलब जो पूंजी होती है उस पर व्यापार की हानि तथा आहरण का ब्याज व्यापार हेतु लाभ है। मतलब जो आपने व्यापार के लिए आहरण किया उस पर जो व्यापार मतलब जो आहरण करने पर उस आहरण पर जो आपने ब्याज दिया वह व्यापार के लिए क्या होगा, लाभ कहा जाएगा। इसके लिए लेखा में उसी तरह किए जाने चाहिए जिस प्रकार हानि व लाभ को लिखा जाता है। मतलब अभी जिस प्रकार से अन्य मतलब लाभ और हानि होते हैं वैसे ही इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। फिर है निम्नलिखित समायोजन की मद। तब जो निम्नलिखित समायोजन है उसकी मद क्या होती है, जैसे मान लीजिए अदत मजदूरी हो गई, अदत वेतन हो गया, उपार्जित किराया हो गया, अनुपार्जित कमीशन हो गया। तो जो अदत मजदूरी है तो व्यापार खाते में विकलन कक्ष में उसको क्या करते हैं, जोड़कर लिखने पर चिट्ठे में, और जो चिट्ठा होता है उसको क्या में दायित्व पक्ष में उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और अदत व्यय को लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में वेतन के साथ जोड़कर और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उपार्जित आय लाभ हानि खाते में समाकलन पक्ष में किराए से जोड़कर दिखाया जाता है और चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में इसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। फिर है अनुपार्जित कमीशन। लाभ हानि में समाकलन पक्ष में कमीशन लिखा जाता है, सब कमीशन से मैं से घटाकर इसको क्या करते हैं, दर्शाया जाता है उसको, लेखा चिट्ठे में दायित्व पक्ष में इसको लिखा जाता है। इसका जो उसका लेखा है वो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर है दीर्घ उत्तरी। प्रबंध के कमीशन की गणना किस प्रकार की जाती है, तो समायोजन में प्रबंधक के कमीशन का उल्लेख होने पर सर्वप्रथम कमीशन की क्या की जाती है, गणना की जाती है तथा कमीशन की रकम को लाभ हानि खाते में विकलन तथा चिट्ठे में दायित्व पक्ष में क्या करते हैं, लिखा जाता है। फिर कमीशन की गणना कैसे करते हैं, तो जो समायोजन में प्रबंधक के कमीशन का उल्लेख होने पर सर्वप्रथम कमीशन की गणना क्या की जाती है, गणना की जाती है। कमीशन की रकम लाभ हानि खाते में विकलन और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद है इसी गणना कहते हैं, यदि सकल लाभ एक निश्चित दर में कमीशन देय होने पर एक स्थिति में कमीशन के अनुसार गणना, तो इसमें इसको कैसे निकालेंगे, तो प्रबंधक का कमीशन उसमें आपको सकल लाभ गुणित कमीशन की दर बटे 100, तो इसको आप इसकी गणना ऐसे कर सकते। फिर है यदि शुद्ध लाभ तथा कमीशन की प्रतिशत दर कैसी है दी गई हो, यदि शुद्ध लाभ और कमीशन की प्रतिशत दर आपको अगर दी है तो इस प्रकार के कमीशन की गणना निम्नानुसार दो स्थितियों में, एक स्थिति में की जाती है, कमीशन घटाने के पूर्व निकाले गए शुद्ध लाभ, तो आपने जो कमीशन था उसे घटाने के पूर्व आपको जो शुद्ध लाभ एक निश्चित प्रतिशत में क्या होगा, इस शर्त के उल्लेख होने पर कमीशन की गणना करेंगे, तो उसको करेंगे लाभ हानि खाते में विकलन पक्ष में लिखने के बाद पुनः
शुद्ध लाभ क्या किया जाता है, शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। फिर कमीशन घटाने के बाद, आपको कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ एक निश्चित प्रतिशत की दर में क्या होगा, प्राप्त होगा। इस शर्त का उल्लेख होने पर कमीशन की जो गणना है वैसे करेंगे, प्रबंधक का कमीशन और शुद्ध लाभ की कमीशन की दर बटे 100 धन दर, वो आपकी शुद्ध दर है, आपको किस दर पे कमीशन। इस प्रकार ज्ञात की गई कमीशन राशि की शुद्ध लाभ घटाने के बाद वास्तविक शुद्ध लाभ हानि को क्या करते हैं, ज्ञात किया जाता है। आज अपन ने समायोजन पढ़ा, समायोजन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में आपने समायोजन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, उपार्जित अनुपार्जित आय पढ़ा, और आपको बता दूं मतलब कमीशन की गणना किस प्रकार से की जाती है और समायोजन की मदें क्या है, इसके विषय में पढ़ा। आप इसको पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।